का रेड लाइट एरिया गंगा जमुना बीते एक से डेढ़ महीने से बंद है। 11 अगस्त को शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश के बाद गंगा जमुना बस्ती की ओर सील किया गया, जिसके बाद ज्वाला धोटे द्वारा इन वारांगनाओं के हक के लिए आंदोलन किया गया, लेकिन फिर भी गंगा जमुना बस्ती पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया नहीं गया। आज दोबारा इन वारांगनाओं के हक के लिए आज शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का विरोध करते हुए आज गंगा जमुना परिसर में ज्वाला धोटे के नेतृत्व में निषेध आंदोलन किया गया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख द्वारा। आइए डालते हैं एक नजर। पिछले एक महीने से गंगा जमुना जो बंद है, उसके बाद कई आंदोलन हुए, आज एक आंदोलन जो है किया जा रहा है अमितेश कुमार हटाओ इंसानियत बचाओ के तौर पर ज्वाला धोटे द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज जो है इस तरह का रोष व्यक्त किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है। आज 1 ऑक्टोबर है, उद्या 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधींची जयंती। आपल्या देशातच नव्हे तर संपूर्ण विश्वात अहिंसेचा पुजारी म्हणून त्यांची ख्याती आहे। देशातच नव्हे तर संपूर्ण विश्वात उद्याचा दिवस 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीचा दिवस अत्यंत आनंदाने साजरा होईल यात शंका नाही। आज मी पेपरमध्ये वाचलं की महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपालजींचा उद्या नागपूर आणि वर्धा दौरा आहे, वर्ध्याच्या सेवाग्राम आश्रमाला ते भेट देणार आहेत। एकीकडे महामहिम राज्यपाल साहेब आदेश देतात माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना की स्त्री सुरक्षेसंदर्भात 2 दिवसीय अधिवेशन महाराष्ट्रात आपण घ्या म्हणून। एकीकडे तुम्ही स्त्री सुरक्षेसाठी अधिवेशन घेण्याची मागणी करता आणि एकीकडे महाराष्ट्राच्या उपराजधानीमध्ये माझ्या माता बहिणी वारांगणा माता बहिणी या शोषित दुखी आणि कष्टी घटक आहेत, समाजाचं दुबळं घटक आहे, यांच्यावर सतत 2 महिन्यापासून अन्याय अत्याचार होत आहे, यांचे निरागस बालकं आज उपाशी आहेत। काही वारांगणा माता बहिणी या वयोवृद्ध झालेल्या आहेत, त्या औषधांवर आहे, त्यांच्या औषधांचा खर्च पाणी, त्यांच्या 2 वेळेसच्या राशन पाण्यांचा खर्च पाणी, त्यांच्या लेकरांच्या ट्युशनचा खर्च पाणी, त्यांच्या लेकरांच्या खाण्यापिण्याचा खर्च हा कोण उचलणार। आधी अमितेश कुमार हा जनरल डायरच्या भूमिकेमध्ये होता आणि त्यांनी संपूर्ण गंगा जमुना परिसर जालियनवाला बागमध्ये परिवर्तन करण्याचा त्याचा मनसुबा होता आणि हा अमितेश कुमार हा विलन आहे, हा सतत आपल्या भूमिका बदलत असतो। काल परवा हा जनरल डायर होता आणि आज अमितेश कुमार महाभारताचा दुर्योधन आहे आणि त्याचा पोलीस विभाग म्हणजे SB विभाग आणि क्राईम विभाग हे दुःशासनाच्या भूमिकेत आहे। ज्या प्रकारे महाभारतामध्ये माता द्रौपदीचं वस्त्रहरण दुःशासनाने केलं होतं दुर्योधनाच्या आदेशावरून, त्याचप्रमाणे कमिशनरच्या आदेशावरून पोलीस विभागाने काल परवाला माझ्या माता बहिणींना विवस्त्र केलं, नग्न केलं, त्यांना फक्त अंतरवस्त्रात ठेवलं, त्यांचे व्हिडिओ काढले, त्यांचे फोटो काढले, त्यांना मारलं, त्यांना अपमानित केलं। एक तर तुम्ही इथे 200 पोलिसांचा गराळा टाकला आहे, अतिरिक्त पोलीस बल इथे आणून ठेवलेला आहे, या अतिरिक्त पोलीस बलाला लाखो रुपयांचा खर्च होत आहे, हा लाखो रुपयांचा खर्च, हा जो भुर्दंड बसतो आहे, हा जो अतिरिक्त भार महाराष्ट्र शासनावर बसतो आहे, ह्याची भरपाई कोण करणार? अमितेश कुमार स्वतःच्या खिशातून करणार का? शेवटी तुम्ही जनतेकडनंच टॅक्स घ्याल आणि हा बॅकलॉग काढाल। आधीच कोरोनामुळे महाराष्ट्राची तिजोरी, महाराष्ट्राचं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे कमजोर झालेलं आहे आणि अशा जागतिक पार्श्वभूमीच्या जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आर्थिक परिस्थिती देशाची कोलमडलेली आहे, तुम्ही फक्त या वारांगणा ज्या आधीच शोषित आणि आधीच दुखी आहे त्यांना अजून त्रास द्यायसाठी ही जागा बिल्डर लोकांना रिकामी करून देण्यासाठी त्यांच्यावर जो तुम्ही अत्याचार चालू केलेला आहे याची भरपाई कोण करेल? हाच का पुरोगामी महाराष्ट्र? हीच का बाबासाहेबांची संस्कृती? ज्याप्रमाणे अमितेश कुमार दुर्योधनच्या भूमिकेमध्ये आहे आणि त्याचा पोलीस विभाग दुःशासनाच्या भूमिकेमध्ये आहे, माननीय पालकमंत्री साहेब आणि माननीय खासदार साहेब हे पितामा भीष्मच्या भूमिकेमध्ये आहे, त्यांना सगळं अन्याय अत्याचार होताना दिसत आहे, अधर्म होताना दिसत आहे, परंतु त्यांनी मौन धारण केलेलं आहे याची मला खंत वाटते, हे मोठं दुर्दैव आहे। म्हणजे यापेक्षा शर्मेची बाब
काय असू शकते, पुलिसांना आपण रक्षक म्हणतो आणि जेव्हा स्वतःच पुलिस भक्षक म्हणतात, एक तर तुम्ही इथे छावणीचं स्वरूप केलं, एक तर अतिरिक्त पुलिस इथे तैनात केले, तुम्हीच खोटे ग्राहक आतमध्ये पाठवता, पेपरमध्ये देताही की हमने फर्जी ग्राहक अंदर भेजे और रेड डाली। अरे एक तो आपकी परवानगी शिवाय, तुमच्या परवानगी शिवाय इकडे मुंगी सुद्धा आज शिरू शकत नाही। इकडे काय आतंकवादी राहतात, इथे काय दहशतवादी राहतात की शेकडो पुलिस तुम्ही इथे तैनात करून ठेवलेले आहे? तुमच्या परवानगी शिवाय, पुलिसांच्या परवानगी शिवाय मुंगी आज शिरत नाही। तुम्हीच खोटे ग्राहक पाठवता, पेपरमध्ये देताही की हमने फर्जी ग्राहक भेज के रेड किया और दो वारांगनाओं को पकड़ा। अरे उन लोगों का व्यवसाय वो है, तुम लोग ही गिराक अंदर भेजोगे, तुम लोग ही रेड डालोगे, तुम लोग ही उनको पकड़ोगे, तुम लोग उनके कपड़े निकालोगे, उनको नंगा करोगे, उनके वीडियो बनाओगे, उनको मारपीट करोगे, उन पे गुनाह दाखिल करोगे। अरे ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का न्याय है? अरे ये पागल हो गया है अमितेश कुमार। जस अपन मन तो गाड़वा पुढ़े वाचली गीता, या गाड़वा पुढ़े किती मी हंबरडा फोड़ला ना, याच्यावर फरक पडणार नाही। मी माननीय पालकमंत्री साहेब, माननीय खासदार साहेबांना विनंती करते की घटस्थापनेच्या पूर्वसंध्येपर्यंत इकडची स्थिती सामान्य झाली पाहिजे, अन्यथा मी पालकमंत्री साहेब आणि माननीय खासदार साहेब यांच्या घराचा घेराव करणार, या महिलांचा मोर्चा त्यांच्याकडे नेणार। आज तर मी अमितेश कुमारचा निषेध केलेला आहे, परंतु घटस्थापनेच्या पूर्वसंध्येपर्यंत इकडची परिस्थिती नॉर्मल होत नाही तर पुढचा निषेध मी पालकमंत्री साहेब आणि माननीय खासदार साहेबांचा करणार आहे। आपने जैसे बताया कि यहाँ की परिस्थिति जब तक पहले जैसी नहीं होती तब तक आप निषेध का आपका जो है जारी रहेगा। इसके जैसे ही ये बंद हुआ था उसके बाद जो है हमारी टीम ने यहाँ का जायज़ा लिया था, और यहाँ का जायज़ा लेने के बाद हमने पुलिस विभाग की भी प्रतिक्रिया इस पर ली थी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है क्राइम होता है। पुलिस विभाग यानी कैसा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मूर्ख अमितेश कुमार, तेरी गंगा जमुना की पुलिस चौकी इधर तैनात है तो तेरे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, फुकट का पैसा खा रहे हैं शासन का? अरे ये क्या बात करता है, पागल जैसा क्या प्रतिक्रिया देता है? मैं आप मीडिया को कहना चाहती हूँ आप सभी से कि अमितेश कुमार बोलता है ना कि यहाँ पे हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो ये हार्मोन के इंजेक्शन की फैक्ट्री इधर है, तो हार्मोन के इंजेक्शन की फैक्ट्री किधर है महाराष्ट्र में? उसको लाइसेंस किसने दी? महाराष्ट्र में नहीं है तो केंद्र शासन के अंतर्गत है क्या? तो ऐसे फैक्ट्री के लाइसेंस आप जब्त क्यों नहीं करते, ऐसे फैक्ट्रियों पे आप बंदी क्यों नहीं लगाते, वो इंजेक्शन मार्केट तक पहुंचते कैसे है, इस पर आप अंकुश क्यों नहीं लगाते? और अगर आप बोलते हैं कि महिलाओं को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं छोटी बालिकाओं को, तो मेडिकल कराइए वो महिलाओं का, उन महिलाओं का मेडिकल कराइए, मेडिकल रिपोर्ट मुझे दिखाइए कि इनके शरीर में ऐसे प्रकार के द्रव्य गए हैं हार्मोनल इंजेक्शन के। ये सरासर झूठ बात है। यानी पुलिस विभाग का कैसा है, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये खुद साले चोर, ये खुद साले लुटेरे, ये खुद साले डकैत, ये खुद डकैत है और ये महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। अरे सबसे पहला तो प्रतिबंध, सबसे पहली रेड तो इनके पुलिस स्टेशन में गिरने होना, क्योंकि इनके पुलिस स्टेशन के आशीर्वाद से ही सब शहर में क्राइम फलता है। अरे पुलिस के थर्ड डिग्री पर तो अच्छे अच्छे भू माफिया और डॉन सीधे हो जाते हैं, तो तुम्हारे राजाश्रय में पुलिस के आशीर्वाद से ही शहर में भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, ये सब सक्रिय है। इस पर अमितेश कुमार अंकुश क्यों नहीं लगाता? पूरे शहर में डांस बार शुरू है, पूरे शहर में डांस बार शुरू है, शहर के नामांकित होटल्स में कॉल गर्ल्स उपलब्ध करके दी जाती है, उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाता? जिस होटल में वेश्या व्यवसाय करते टाइम महिला पकड़ी जाती है उस होटल को सील क्यों नहीं लगाता? चला इधर गंगा जमुना में सील लगा देखो। इसने ये अमितेश कुमार ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद आरोप है। ये अमितेश कुमार का मैं जाहिर आज निषेध करती हूँ। पहले तो मैंने महाराष्ट्र शासन को विनंती की थी कि इसका तबादला किया जाए, मगर आज मैं हाथ जोड़ के महाराष्ट्र शासन से विनती करती हूँ कि इसका तबादला नहीं, इसको सस्पेंड किया जाए, इसको टर्मिनेट किया जाए,
थ्रू है अमितेश कुमार पे और उसके विचारों पे, जो महिलाओं को विवस्त्र करने के आदेश देता है, महिलाओं को नग्न करता है और अंतर्वस्त्र में उनके वीडियो निकाले जाते हैं। थ्रू है अमितेश कुमार तेरे विचार पे, थ्रू है अमितेश कुमार तेरी सोच पे और थ्रू है अमितेश कुमार तेरे पुलिस विभाग पे। आप राष्ट्रवादी से और आपकी सरकार में, सरकार जो है आपकी है, तो आप ये जो सब है रीजन लेकर जाओगे मुख्यमंत्री तक? मेरा कहना है, नागपुर ये महाराष्ट्र की उपराजधानी है, यहाँ से बंबई जाने को 15 घंटे लगते हैं। हराम का पैसा ये महिलाओं के पास है? ये इतनी सारी महिलाएं लेके मैं बंबई क्यों जाऊं? आने वाले समय का विदर्भ की राजधानी नागपुर है, विदर्भ की संभाव्य राजधानी, विदर्भ की संभाव्य राजधानी नागपुर है। विंटर सेशन, हिवाली अधिवेशन नागपुर में होता है। यहाँ की सब कार्य प्रणाली, शासन प्रशासन सुसज्ज है। और पालक मंत्री किसके लिए है? लोक प्रतिनिधि सांसद लोगों ने किसके लिए चुन के दिया है? जो काम स्थानिक लेवल पे हो सकता है, जिस विषय का निवारण स्थानिक लेवल पे होता है, उसके लिए मैं दिल्ली और मुंबई क्यों भागू? वोट लेने को तो यहाँ तक आ गए, खासदार साहब ने इनके वोट लिए नहीं, खासदार साहब ने इनके एरिया में कैंपेनिंग किए नहीं। वोट मांगने को गंगा जमुना आते हो, वोट मांगते समय इधर से रैली निकालते हो और ये महिलाएं भूखी है तो इनको मिलने को आते नहीं, इनकी पीड़ा देखने को आते नहीं। और मुझे आप लोग प्रश्न करते हो कि इन लोगों को लेके आप बंबई जाएंगे क्या? 15 घंटा बंबई क्यों जाएंगे? विदर्भ की राजधानी है नागपुर और महाराष्ट्र की उपराजधानी है। स्थानिक प्रश्न इधर ही छूटने चाहिए स्थानिक लेवल पे। शासन प्रशासन क्या करता है, अंधा है? इसलिए किसी सांसद ने पहल की है, आपसे बातचीत हुई है इस मुद्दे को लेकर? सांसद हो, यहाँ के विधायक हो, उन्होंने कुछ इस मुद्दे को लेकर आपसे बातचीत की है? अरे मैं आपसे मैडम बोल रही हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ के कंगन देखने को आईने की जरूरत नहीं रहती। जो कुछ भी इधर हो रहा है, छोटे बच्चे तक के पता है, सभी को पता है, तो सांसद साहब को दिख नहीं रहा, खासदार साहब को ये दिख नहीं रहा, इनकी व्यथा वो देख नहीं पा रहे, इनकी व्यथा वो सुन नहीं पा रहे, पालक मंत्री साहब को ये दिख नहीं रहा। अरे आपको मजे की बात बताती हूँ, 2-4 दिन पहले मैं पालक मंत्री साहब से मिलने को गई, उनको मैंने बताई कि ये कमिश्नर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, महिलाओं को विवस्त्र करके उनके वीडियो निकाले जा रहे। वो शौक में चले गए। वो बोले क्या बात कर रहे? मैं बोली अरे इसको अंकुश लगाओ, ये कमीने बेशरम बेहया कमिश्नर को लगाम लगाओ। तो वो बोले कि ये कमिश्नर मेरी बात सुनता नहीं। अभी आप मुझे बताओ, पालक मंत्री, गार्डियन मिनिस्टर, पालक मंत्री जिले का सीएम रहता है, उसके पास इतनी अथॉरिटी रहती है, इतनी पावर रहती है, तो पालक मंत्री ने अपने शस्त्र डाल दिए और मुझे बोलते हैं कि ये कमिश्नर मेरी सुनता नहीं, मैं गृह विभाग को, गृह मंत्री को इसकी कंप्लेंट करूंगा। जब खुद पालक मंत्री बोलते हैं कि मैं कमिश्नर की कंप्लेंट करूंगा, इसके बहुत से तकरार मेरे पास आए, जब खुद पालक मंत्री इनसे त्रस्त है, जनता ये आदमी से त्रस्त है, तो महाराष्ट्र शासन को मैं हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ, जब पालक मंत्री शस्त्र डाल दे रहा है, जनता वारांगनाए माता बहने त्रस्त है, नागपुर ये क्राइम सिटी करके फेमस हो गई है, क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे बेजिम्मेदार और ऐसे फेलियर कमिश्नर को यहाँ पे रखने का मकसद क्या है? ये कमिश्नर को इधर रखने का मकसद क्या है? कि इस कमिश्नर को नागपुर में रखने का मकसद यही है कि 2 नंबर के काम को चालना मिले, ये महिलाओं को भूखा मरने को छोड़ देने का, यानी ये परेशान होके जगह बेच के बिल्डर को जगह बेच के निकल जाएंगी। बड़े बड़े होटल व्यापारियों से जहाँ पे डांस बार चलते हैं, जहाँ पे कॉल गर्ल्स प्रोवाइड होते हैं, उन लोगों से लाखों रुपए का हफ्ता ये कमिश्नर लेता है। ये कमिश्नर पे अनेक आरोप है, ऐसे कमिश्नर को तो तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए।
तो जिस तरह से हमने देखा कि गंगा जमुना का मुद्दा जो है दिन ब दिन ये है जोर लेके जा रहा है, और जैसे देखा आज भी कमिश्नर का यहाँ पे जो है निषेध किया गया है और निषेध करिए आज आंदोलन किया गया है। साथ ही यह मांग की गई है कि अमितेश कुमार को सस्पेंड किया जाए। अब देखना होगा कि ये मुद्दा किस ओर जाता है और ये लड़ाई जो है किस ओर जाके थमती है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।